आज हम प्रूफ करेंगे कि 0 = 1 कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो -20 = -20, इसको लिख सकते हैं। -20 को मैं लिख सकता हूँ 16 - 36, 16 - 36 20 होता है। और -20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 - 45, 25 - 45 भी 20 होता है। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, और 36 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 9, 25 को 5 स्क्वायर, एंड 45 को 4 × 5 × 9, 9 × 5 = 45 होता है। अब अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 = 9/2, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी भी हमने कोई इसमें चेंज नहीं किया है। अब इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो 9 + 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 4² - 2 = 4, 9/2, दोनों साइड 9/2 का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो 5² - 2 = 5, 9/2 + 9/2 का स्क्वायर। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी है हमारी, a² + b² - 2ab किसके इक्वल होता है, a - b का स्क्वायर, यानी कि 4 - 9/2 का होल स्क्वायर। ये भी a² + b² - 2ab, तो ये हो गया 5 - 9/2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इनके स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं तो आ जाएगा 4 - 9/2 = 5 - 9/2, 9/2 से 9/2 कैंसिल, 4 = 5। दोनों साइड 4 माइनस कर देते हैं इक्वेशन में से, 4 - 4 = 5 - 4, 0 यहाँ पर 1, तो ये प्रूफ हो गया है 0 = 1। Now you have to write in the comment box where I done the fundamental mistake in order to prove this.